बच्चे ये क्वेश्चन नंबर ना देखे सिक्स आपके पास ये है। देखो साइज 4.7 बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि शो डेट, देखिए 6 7 8 एक ही तरह के हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहले ये क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके पास ये है कि शो डेट एट द रूट्स रूट्स ऑफ MX प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX विल बी इक्वल। इफ C इज इक्वल टू ए अपॉन एम। अच्छा उमर, आपको याद होगा इन्होंने ये पूछा है कि आपने प्रूव करने के रूट्स इस इक्वेशन के इक्वल है अगर C इज इक्वल टू ए अपॉन एम हो। तो आपको याद होगा ना रूट्स इक्वल कब होते थे? रूट्स इक्वल तब होते हैं जब इक्वल जीरो इफ रूट्स आर इक्वल। जी जी होते शाबाश। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट आपको याद होगा, जीरो। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है ना, यानी डी इक्वल टू जीरो। और डी आपको याद है डी किसके बराबर होता था? डी इज इक्वल टू किया -4 ऐसे। ए स्क्वायर माइनस 4AC। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, ये वाली ना इक्वेशन जो दी हुई है, पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो इससे हम ये वाली कंडीशन लेके आएंगे। देखिए ये वाली कंडीशन है सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम, यानी इन्होंने कहा कि रूट्स इक्वल है अगर ये कंडीशन हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये कंडीशन लेके आएंगे, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन इज MX प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, फार्मूला खोल लें। देखिए तो पहले आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये एम एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2AB। तो 2A आपके पास एम एक्स है और बी आपके पास सी है, और प्लस बी स्क्वायर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। इसे आप अरेंज कर दें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 2MC इंटू एक्स, और ये 4AX को यहाँ पे ले आए लेफ्ट पे, और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको याद है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक की ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, यही होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, जी ठीक अब है। a इक्वल टू m स्क्वायर रख लेंगे इक्वल। तो पहले ना यहाँ से आप x कॉमन ले लेना, देखें ये ना आपके पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस देखिए यहाँ से 2 और x कॉमन ले लें, 2x कॉमन, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा एम सी, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2A और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और फिर आप इसे थोड़ा अरेंज करके लिख दें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये एम सी माइनस 2A, एक्स बाद में लिख दो, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0, ठीक डी 0 होता है, ठीक है। है और डी किसके इक्वल होता है, डेट इज इसके बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0, ये होता है डी ना, डी इसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ आप शो भी कर सकते हैं कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये डी होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि बी स्क्वायर, बी देखिए आपके पास ये 2 और ये एम सी माइनस 2A, तो ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर, फिर माइनस 4AC, ए आपके पास एम स्क्वायर है, ठीक है, और सी आपके पास क्या, सी स्क्वायर है 0।
ये जो है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ए है, ये पूरा जो है ना एक्स का कोफिशिएंट ये बी होता है, और ये क्या सी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और देखिए एम सी माइनस 2 ए का होल स्क्वायर, पहले स्टेप में मैंने स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, ठीक है। और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4 सी स्क्वायर और एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जी एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए बी, तो 2 ए आपके पास एम सी है और बी आपके पास 2 ए है, और प्लस बी स्क्वायर, तो 2 ए का स्क्वायर हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, और ये माइनस 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा उमर आप बताएं यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है दोनों टर्म्स में, ये 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, जी या 4 कॉमन लेना, ठीक है, या 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस 2 टू द 4, और ये आप कर दें ए सी एम, ठीक है, ये 2 टू द 4 और ए सी एम, मैंने आपने इसको अरेंज कर दिया, और फिर ये 4 ए स्क्वायर, ये जो आपने कॉमन लिया है, ठीक है, और माइनस सॉरी 4 कॉमन लिया ना, तो देखिए जब 4 कॉमन लिया तो देखिए ये तो आपके पास ये आ गया ना एज इट इज, तो देखिए जब आपने कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ आ जाएगा माइनस, और देखिए क्योंकि आपने 4 कॉमन ले लिया है तो यहाँ आपके पास बच जाएगा सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसा ही है ना, ये बात आई समझ में। जी सर आगे। अच्छा अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और फिर देखिए यहाँ बच जाएगा 4 और ये माइनस 4 ए सी एम, और ये प्लस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट मिला के डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस 4 ए सी एम और प्लस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4, तो और जीरो मुझे डिवाइड यहाँ समझ नहीं आई, ये जो ऊपर करेगा थोड़ा, जी। ये जो आपने कॉमन लिया है, और ये बेटा समझ नहीं आया कैसे लिया। बेटा ये 4 कॉमन ले लिया, देखे ना ये फोर देखिए इस पूरे के साथ है, और ये वाला 4 भी इसके साथ इसमें मौजूद है, तो ठीक है, अच्छा जब आपने 4 कॉमन ले लिया अच्छा इन दोनों में से लिया मैं, ठीक जी, है मैं सुना गया, तो ये तभी मैं मैं समझे ये अंदर वाले फोर भी क्यों लिया। नहीं 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 ये तभी मैंने ये रेड ब्रैकेट लगाई है ताकि ना इन दोनों में से लिया है, ये जो है ना ये वाली टर्म, सही है, ठीक ये है, वाली टर्म और ये जो है ये रही इनमें से, ये 4 क्योंकि इस सही है, पूरे के ठीक साथ है, ठीक है। है, अच्छा अब ये तो देखिए आपके पास 0 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 0, तो आ जाएगा माइनस 4 ए सी एम और प्लस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा अब क्या करें, आप देखिए कंडीशन लेके ना सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम लेके आना, ठीक है, तो अब जी सी बताएं, की वैल्यू डाल देंगे, नहीं नहीं सी की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, हमें वो ना कंडीशन ले आएंगे। अब देखिए ठीक, ये माइनस 4 ए सी एम इज इक्वल टू माइनस 4 ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, उधर जाके अब देखें ये 4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, ये माइनस है माइनस कैंसिल करते हैं, और देखिए ये आपके ये पास आ फोर भी जाएगा कैंसिल, जी ये सी एम, चलिए ये करते हैं 4 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर 4 ए, देखिए 1 4 से 4 कैंसिल और 1 ए से 1 ए कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ गया इक्वल सी टू ये सी एम इज इक्वल टू ए आ गया, और यहाँ से सी को यहीं रखते हैं इक्वल, और ये ए अपॉन एम, तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन होगी तो रूट्स इक्वल होंगे, तो आप ही लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अच्छा ये बाकी सारों में भी यही करना है। बिल्कुल ऐसे करना है। और अगर मैं पूछना चाह रहा था कि अगर सी की वैल्यू डाल दें फिर यही आंसर आएगा। वो भी ला सकते हैं, मगर ना इन्होंने कहा कि आपने ना यानी कहा कि रूट्स इक्वल होंगे अगर ये हो ठीक है, तो ये हमें ये लेके आना है, वो भी कर सकते हैं अगर आप यानी यहाँ पर जो है ना जैसे वो आपको जो कंडीशन ये लेके आनी थी या ले, जो आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था ये था कि सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम, तो ये भी आप यहाँ रख सकते हैं देखें, मगर जो है ना हम जो कंडीशन होती है वो लेके आते हैं कि यानी रूट्स इक्वल होंगे अगर ये हो तो, आप ये ले आए, ठीक है। ठीक है, सही है।
ये 7 8 भी ऐसे ही करना है आपने, यानी पहले आपने क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आपने यानी कंडीशंस लेने दोगे, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो ठीक है और बताएं आगे। सर, 4.8 जरा। 4.8 तो आपको पहले करवाई थी, तो आसान सी जो इक्वेशंस की है। हाँ 4.8 ठीक है, वो मैं कर लूंगा। जी बताएं आगे। सर ये 12th चैप्टर की जो है 4.8, 12.8 12.8 कहाँ से करनी है? क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन नंबर है इसका 8। नंबर 8। चलो मैं सही बताऊं, अच्छा देखिए 12 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 8 ना, देखिए 8 आपके पास ये है कि प्रूव दैट ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एग्जाम में ना काफी दफा आया भी है कि डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाय टू और फिर कॉट बीटा बाय टू। वैसे अभी चैप्टर ही कॉट आसान है 12th ना, बाकी चैप्टर से। ठीक हाँ बेटा आसान है, पूरी बुक ही आसान है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दो कोई मुश्किल नहीं। अच्छा बेटा देखिए हमें ये लेके ना, डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू कॉट गैमा बाय टू ना, तो आप इसमें टेकिंग राइट हैंड साइड ले लें, तो ये आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाय टू और गैमा बाय टू और कॉट और बीटा बाय टू कॉट गैमा बाय टू। अच्छा उमर आप आपको याद होगा जो आर स्क्वायर होता है ना, ये होता है डेल्टा अपॉन एस। क्या होता है डेल्टा अपॉन, एक्स ये आ जाएगा आर की वैल्यू। ठीक है, ये जो आर होता है बेसिकली होता है इन रेडियस। क्या होता है इन रेडियस, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बनता है ना उसको इन सर्कल कहते हैं, और उसके रेडियस को देखें, यानी जैसे ये है ना, जैसे ये आपके पास ट्राइंगल है और इसके अंदर अगर ये सर्कल बने तो इसकी साइड्स को टच करें, ठीक है, इसे कहते हैं इन रेडियस ना, इसके रेडियस को कहते हैं इन रेडियस, ये होता है आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास आर। उसके बाद देखिए जो कॉट अल्फा बाय टू है, कॉट अल्फा बाय टू होता है कॉज ओवर साइन होता है ना, तो कॉस अल्फा बाय टू होता है एस एस माइनस ए और ओवर ए बी होता है, तो ए बी असल में ना, ए बी जो यहाँ पे ना जो कॉट होता है कॉस ओवर साइन, कॉट होता है कॉस ओवर साइन, तो साइन होता है एस माइनस बी एस माइनस सी, तो असल में जो नीचे आता है ना ए बी, तो दोनों के ए बी कैंसिल हो जाते हैं। बात समझ में, जी सर, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए जो कॉस अल्फा बाय टू होता है ना होता है एस एस माइनस से ओवर बी से, और जो साइन अल्फा बाय टू होता है ये होता है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, जब आप डिवाइड करेंगे कॉट होता है कॉस ओवर साइन, तो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जी आपके पास, तो ये आपके पास आ गया कॉट की वैल्यू। उसके बाद देखिए कॉट बीटा बाय टू, कॉट बीटा बाय टू जो होता है ना, कॉट बीटा बाय टू क्या होता है, एक मिनट ये मैं थोड़ा मिटा दूंगा, कॉट बीटा बाय टू होता है कॉस बीटा बाय टू ओवर साइन बीटा बाय टू, तो कॉस बीटा बाय टू होगा एस एस माइनस बी, और जो साइन होता है ये होता है एस माइनस ए एस माइनस सी और स्क्वायर रूट, और फिर कॉट गैमा बाय टू ये होता है एस एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है उमर, अच्छा अब उमर आपने जी एक बात याद रखनी, आपको याद होगा कि जब भी कोई टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, जैसे ए और स्क्वायर रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट बी, तो
आप इन्हें कंबाइन कर सकते हैं, आई बात समझ में? जी अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको कंबाइन कर देंगे। देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। अच्छा देखिए जब आप इनको कंबाइन करेंगे, ऊपर देखिए एस कितने हैं, देखिए एक एस ये है, एक एस ये, एक एस ये, तो ये एस क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब ये बात आई समझ में? जी सर आए। ये आ जाएगा एस क्यूब, और फिर देखिए ऊपर आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सबको कंबाइन कर दिया। और फिर देखिए डिनोमिनेटर में ये देखिए ये रहा, एक एस माइनस ए ये है, एक एस माइनस ए ये है, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर। एस माइनस बी भी देखे दो है, एक ये है और एक देखें ये आपके पास, एक ये है और एक ये लास्ट में, तो ये आपके पास हो जाएगा एस माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरा आपके पास हो जाएगा एस माइनस सी का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा अब उम्र देखें, ये एस माइनस ए का, ये एस माइनस ए था और डिनोमिनेटर में एस माइनस ए का स्क्वायर था, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह एस माइनस बी से ये कैंसिल हो जाएगा, और एस माइनस सी से एक ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक ऊपर आपके पास देखिए बच जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बच गया एस क्यूब, और यहाँ आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये स्क्वायर रूट। अच्छा वो यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट के अंदर एस क्यूब है, तो एस क्यूब आपको याद है ना, एस क्यूब देखिए एस क्यूब जो इसको हम लिख सकते हैं ना, एस क्यूब है, तो ये एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एस लिख सकते हैं ना, तो जी सर इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर रूट एस। ये बात आई समझ में? जी सर आगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा एस एक बाहर आ जाएगा, एक स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, और अपॉन में आपके पास ये आ गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखें ये किससे कैंसिल कर दें, ये और ये कैंसिल हो गया, देखिए ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर एस। देखिए यहाँ बच गया स्क्वायर रूट एस, इसे मैं अलग कर रहा हूँ और इसे मैं अलग कर रहा हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है? ये बात आई समझ में? जी सर ठीक है जी अच्छा अब आपको याद होगा, सर आपको याद होगा आपने ये पढ़ा हुआ है कि देखिए जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा वी नो दैट डेल्टा इसके बराबर होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये स्क्वायर रूट, याद ना आपको ये डेल्टा इसके जी बराबर सर होता याद है, डेल्टा इसके बराबर होता है ना, ठीक है? तो जी अब आपकी मर्जी हो, डेल्टा स्क्वायर इसके बराबर होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी ये डेल्टा स्क्वायर इसके बराबर होता है, वो रूट खत्म कर देते हैं, ठीक है? अब आपकी मर्जी, या तो डेल्टा स्क्वायर की जगह पर ये पुट कर दें, या क्या करें, देखिए यहाँ भी आपके पास देखिए क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर एस नहीं है, ऐसा ही है ना? तो जी आप क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट एस, ठीक है? तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर एस, ये डेल्टा स्क्वायर ओवर एस ऐसे ही आ गया, देखिए ये वाला, और ये स्क्वायर रूट एस आ गया, और यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये स्क्वायर रूट। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ये डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा एस से डिवाइड कर रहा हूँ, ये बात आई समझ में? जी सर अच्छा ऊपर देखिए आपके पास ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर एस। अच्छा बच्चे देखिए ऊपर देखिए ये रहा डेल्टा एस और ये रहा डेल्टा एस, तो ये क्या हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई बाय एस हो जाएगा ना, एक स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है? इस तरह देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये स्क्वायर रूट एस, इन्हें भी हम कंबाइन कर देते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बाकी इसको ना, इसको हम डायरेक्ट ये लिख लेते हैं, ये स्क्वायर रूट एस इंटू स्क्वायर रूट एस, एक आपके पास स्क्वायर रूट एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ये आ गया। अच्छा अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो आपके पास देखिए आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर एस, और ये मल्टीप्लाई बाय एस,
देखिए ये जो पूरा फैक्टर है ये वाला, देखिए ये जो पूरा फैक्टर है स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है डेल्टा के बराबर। किसके बराबर होता है? डेल्टा के। ये डेल्टा आ जाएगा, देखिए आ जाएगा डेल्टा ये रहा, ठीक है। अब देखिए ये एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल, एक एस से एक एस कैंसिल, तो ये आपका डेल्टा बच जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, आप देखते हैं हेंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बात समझ में? जी सर, आगे इसका ये सेकेंड और थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। वो आपने देखिए जो कॉट अल्फा बाय टू ये होता है ना, कॉट अल्फा बाय टू क्या होता है, यानी एस स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी, टेन में आपने इसको रेसिप्रोकल उल्टा लिख देना है, ठीक है। ठीक अब इसमें टेन अल्फा बाय टू है ना, तो ये आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस एस माइनस ए और स्क्वायर रूट, ठीक है। है सर। ठीक अब बता दें इसका कोई और कौन सा करवाना है? सर, ये बस एक एक ही टाइप ही था, करवाना गाड़ी है। जी, अब बताएं। भी जाने वाली है। ठीक सर, बाकी मैं कर लूंगा सर। बाकी कर लेंगे, जी सर, चलें ठीक है। एक ये इलेवन वाला करवा दूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करवा इलेवन में आपको दो तीन टेक्निक है, एक ना सिंपल टेक्निक से करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर इलेवन है कि प्रूफ है। सर। ये इस एक्सरसाइज से शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग? शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग भी आने का, लॉन्ग भी आता है। ए बी सी ब्रैकेट में साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस साइन गामा इज इक्वल टू आपको डेल्टा, फोर डेल्टा एस, फोर डेल्टा एस ही आपने प्रूव करना है। तो आप ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये ए बी सी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अच्छा उम्र ना, इसी ना दो टेक्निक, एक टेक्निक तो थोड़ी मुश्किल है, वो क्या, वो भी अगर आप करना चाहें, वो ये टेक्निक ये है कि आपको याद होगा कि देखिए जो साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा आप लिख सकते हैं टू साइन अल्फा बाई टू, ये कॉस अल्फा बाई टू होता है, ठीक है। जस्ट साइन अल्फा का फॉर्मूला टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, फिर आप यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू की, कभी साइन अल्फा बाई टू की वैल्यू आपको याद है, ये होती थी एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, और फिर कॉस अल्फा बाई टू ये होता है एस एस माइनस ए ओवर बी सी। इस तरह ना अभी ये साइन अल्फा की जगह ये अल्फा फॉर्मूला पुट करते हैं कि टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और साइन बीटा की जगह पर ये टू साइन बीटा बाई टू कॉस बीटा बाई टू, और साइन गैमा की जगह पर भी साइन गैमा बाई टू और कॉस गैमा बाई टू, टू साइन गैमा बाई टू और कॉस गैमा बाई टू, मगर ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, ये ना बुक में एक फार्मूला दिया हुआ, देखें ये जो है ना पेज नंबर आपको मैं बताता हूँ, ये पेज नंबर आपका है, अल्लाह भला करे, ये पेज नंबर आपका है अपना 379, पेज नंबर 379। अच्छा 379 में क्या होता है कि ये जो एक होता है ना कैपिटल आर, देखें पेज नंबर 379 में ना, ए 379 में ये जो कैपिटल आर होता है ना, ये इज इक्वल टू बी ओवर टू साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर टू सी ओवर साइन गामा, ये होता है कैपिटल आर। कैपिटल आर होता है सर्कम रेडियस, तो ये कैपिटल आर ए ओवर टू साइन अल्फा भी होता है, बी ओवर टू साइन बीटा भी होता है, और सी ओवर टू साइन गामा भी होता है। अब यहां से हम साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, साइन बीटा की और साइन गामा की यहां पे पुट कर देंगे, तो ये आसानी के साथ आ जाता है। आई बात समझ में? तो अब देखिए मैं आपको ना ये करवाता हूँ। अब देखिए प्रूफ हमने ये करना है ना कि ए बी सी लेफ्ट हैंड साइड है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, फोर डेल्टा एस लेके आना है। अब यहां से हम आर की वैल्यू देके लिखते हैं कि वी नो दैट, देखिए जो आर है ना, आर इसके इक्वल होता है ए ओवर टू साइन अल्फा, तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए ओवर टू आर, ए ओवर टू। आई बात समझ में? हेलो। जी सर, अच्छा जी साइन सर, सुन लो। साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए ओवर टू आर, इसी तरह देखिए जो साइन बीटा है ये आपके पास आ जाएगा
ना ये आर इज इक्वल टू बी ओवर टू साइन बीटा है, तो साइन बीटा आ जाएगा बी ओवर टू आर, ठीक है, और साइन गैमा जो है ना ये आपके पास आ जाएगा सी ओवर टू आर। तो ये वैल्यूज आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है सिंपल, तो ये आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो देयरफॉर ए बी सी ऐसे ही आ गया, अब देखिए साइन अल्फा ये आपके पास आ गया ए ओवर टू आर, फिर साइन बीटा ये आ जाएगा बी ओवर टू आर, और साइन गैमा सी ओवर टू आर। अब देखिए ये आपके पास आ गया ए बी सी, यहाँ टू आर आ जाएगा एलसीएम, तो ये ए प्लस बी प्लस सी ये आपके पास आ गया, ठीक है, ऐसा ही है ना, ठीक है जी सर, ठीक है। हाँ ये आपके पास आ गया। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो ए बी एस क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू यही होता है ना, और यहाँ से टू एस क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे आपका ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर टू एस पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे टू एस, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए ये आ जाएगा, ये आ गई ए बी सी, और यहाँ देखिए आपके पास आ गया टू एस ओवर टू आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये टू से टू तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ में फोर डेल्टा एस चाहिए, तो डेल्टा तो आपके पास आ चुका है, अब आपको एक फोर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए आर चाहिए एस चाहिए, एस तो आ चुका है, एक आपको फोर चाहिए दूसरा डेल्टा चाहिए, इसको आप देखिए यूँ लिख लें ए बी सी ओवर कैपिटल आर इंटू एस, ठीक है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो कैपिटल आर होता था वो क्या होता था ए बी सी ओवर फोर डेल्टा, यही होता है ना, जी सर, ठीक है, ठीक है, तो जी ये कैपिटल आर होता है ए बी सी ओवर फोर डेल्टा, तो यहाँ से आप मुझे पता है ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे मैं ना ए बी सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, या मर्जी आप आर की जगह पे पुट कर दें, चलिए आर की जगह पुट कर देते हैं, ठीक है, जी सर, ठीक है। जब आप आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे देखें ये आपके पास आ गया देयरफॉर ए बी सी ओवर, देखें अब ये कैपिटल आर की जगह आपके पास आ जाएगा ए बी सी ओवर फोर ये डेल्टा इंटू एस, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखें ए बी सी मल्टीप्लाई बाय फोर डेल्टा ओवर ए बी सी, ऐसा ही है ना, ठीक है जी सर। तो अब देखें ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा फोर डेल्टा एस, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और ठीक है, बात क्लियर है, जी सर, ठीक है, चलें ठीक है फिर, बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक, कल भी पेपर जब आएगा आगे बताना मुझे, ठीक है, क्या कह रहे हैं सर, मैंने कहा कल पेपर आके बताइएगा कैसा हुआ है सर, इंशाल्लाह अच्छा होगा, इंशाल्लाह मैंने अच्छी तरह से तैयारी कर ली, सेकंड ईयर वाले तो कह रहे हैं कि बड़ा ही कोई मुश्किल था और तुम्हारा भी बड़ा मुश्किल था, बच्चे बड़ा आसान था यार, बड़ा आसान था, मैंने बताया कि बस वो यही था कि टेक्निक आपको आनी चाहिए, बाकी वो क्वेश्चंस थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, बाकी टेक्निक यानी टॉपिक तो आपके यही होंगे ना, जी ठीक है सर, ठीक है फिर, अब्बू को सलाम दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।